हाय एवरीवन, मेरा नाम है अरविंद सिंह और मैंने एमटेक किया हुआ है स्ट्रक्चर एनालिसिस से। इससे पहले मैंने डिप्लोमा सिविल और बीटेक सिविल से किया है। मैंने अपना करियर एज ए डिप्लोमा होल्डर ही स्टार्ट किया था और इससे पहले मैंने गेस्ट फैकल्टी एमएटी यूनिवर्सिटी में मैंने जॉब किया है और मेरे को 3 साल का प्रैक्टिकल नॉलेज भी है एज ए साइट इंचार्ज। तो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मेरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा जब आप साइट पर काम करने के लिए जाओगे और आरबीएम कैट सेंटर में जहां प्लेसमेंट होती है वहां पे भी आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कंक्रीट ग्रेड, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन से पूछा जाता है। इंटरव्यूअर हमेशा आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या है टाइप्स ऑफ ग्रेड, कंक्रीट ग्रेड? टाइप्स ऑफ कंक्रीट ग्रेड कौन कौन से होते हैं? M5, M7.5, M10, M15, M20, M25 और M30। जो M30 के बाद के ग्रेड्स हैं वो डिजाइन मिक्स में आते हैं, तो हम इनको मैनुअली साइट पर कास्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं M20 और M25। सपोज दैट हमसे पूछा है M25 का रेशो बताओ, तो इसका रेशो होता है 1:1:2, 1:1:2। तो अब हमसे ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि ये वन क्या है, ये वन क्या है, ये टू क्या है। तो हमारा ये वन पार्ट होता है सीमेंट, वन पार्ट सीमेंट रेशो, वन पार्ट हमारा कोर्स एग्रीगेट एंड टू पार्ट हमारा फाइन एग्रीगेट। अब ये कोर्स एग्रीगेट क्या है, जो हम नॉर्मल आम भाषा में बोलते हैं रोडी। फाइन एग्रीगेट क्या होता है हमारा? डस्ट। तो हमारा एक पार्ट सीमेंट, एक पार्ट हमारा कोर्स एग्रीगेट और टू पार्ट हमारा फाइन एग्रीगेट। इसी तरह से हमारे सारे ग्रेड्स ये पूछे जाते हैं और M20 का भी ग्रेड सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसका रेशियो होता है 1:1.5:3। सेम सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट एंड थर्ड पार्ट इज फाइन एग्रीगेट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज M25? इंटरव्यूअर हमेशा आपसे पूछता है कि वट इज M25, क्या है M25? एम मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये ग्रेड है कॉन्क्रीट का, बट इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ वट इज एम एंड वट इज 25। एम मीन्स मिक्स प्रपोर्शन, जो हम सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट्स का जो मिक्स प्रपोर्शन होता है रेशो के हिसाब से, उसको बोलते हैं मिक्स प्रपोर्शन। और M25 क्या है? ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इन न्यूटन पर mm². अच्छा, आपसे इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकते हैं कि ये M25 कहाँ यूज होता है, ये ग्रेड कौन सी जगह यूज होता है हमारा? तो M25 और M20 ग्रेड जो भी यूज होते हैं हमारे, मोस्टली बिल्डिंग स्ट्रक्चर में, कॉलम और बीम में हमारे ये ग्रेड्स यूज होते हैं, M20 एंड M25। तो हमारा आज के टॉपिक का थर्ड क्वेश्चन है, वट इज द साइज ऑफ ब्रिक? तो ब्रिक के साइज, जैसे नॉमिनल साइज, हमारा ब्रिक का नॉमिनल साइज होता है 19x9x9 सेंटीमीटर में, और मॉडुलर साइज होता है हमारा 200x100x100 mm। ये 200 कैसे हुआ? 10 mm का हमारा प्लास्टर जो उसके ब्रिक के बीच में लगता है। नॉमिनल ब्रिक जो हमारी नॉर्मल, जो आप ब्रिक पकड़ोगे, उठाओगे ब्रिक, वो नॉमिनल ब्रिक होती है। और मॉडुलर ब्रिक का मतलब होता है जब आप उसको प्लेस करोगे ना विथ मोटार, तो वो होता है हमारा मॉडुलर साइज ब्रिक का, 200x100x100 mm। देन हमारा जो ट्रेडिशनल ब्रिक्स होती हैं, जो साइड पर हमारा एक्चुअल में यूज होती हैं, जिनका प्रॉपर डायमेंशन होती है 9x4.5x3 mm में, क्या साइज होता है? 230 mm, 115 mm, 75 mm। तो ये हमारा ट्रेडिशनल साइज है ब्रिक का, जो हमारे एक्चुअल में प्रैक्टिकल यूज के लिए हम यूज करते हैं। तो आपसे इंटरव्यूअर और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रिक की टाइप्स ऑफ ब्रिक। तो टाइप्स ऑफ ब्रिक में आप फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती है, सेकंड क्लास ब्रिक्स होती है, थर्ड क्लास ब्रिक्स होती है, उसके बाद में हमारा ओवरबंट ब्रिक होती है, फ्लाई ऐश ब्रिक्स होती हैं। देन उसके बाद में आपसे इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है कि इसका मटेरियल कौन सा यूज, मटेरियल कौन कौन सा यूज़ करते हैं हम ब्रिक में? तो ब्रिक में लाइम, चूना, ये हमारा CaO होता है, एल्यूमिनिया होता है, सिलिका होता है, मैग्नीशिया होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। तो इसकी कंपोजिशन भी आपको ध्यान रखनी है कि हमारे ब्रिक किस किस कंपोजिशन से मिलकर बनती है। थैंक। अब हमारे टॉपिक का फोर्थ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ सीमेंट ग्रेड। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सीमेंट ग्रेड होते हैं, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। ये 33, 43 और 53 एक्चुअली इसका मतलब है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट न्यूटन पर mm², 150 mm। देन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सीमेंट हमारे ग्रेड जो है कहाँ यूज हो सकते हैं। 43 ग्रेड बेसिकली कॉलम और बीम में हम ज़्यादातर यूज करते हैं और स्लैब में हम यूज करते हैं। 53 ग्रेड बेसिकली आपकी फिनिशिंग को अच्छा करने के लिए, प्लास्टर में हो गया, हम उसमें यूज करते हैं, ब्रिक वर्क में भी हम यूज करते हैं सीमेंट को। उसके बाद में एग्जामिनर आपसे सीमेंट के ऊपर और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ सीमेंट। टाइप्स ऑफ सीमेंट में मैं आपको बता देता हूँ, दो सीमेंट वो है OPC एंड PPC। OPC की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। एंड PPC की फुल फॉर्म है पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट। बस इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है,
थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं इनका, इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम सेम होता है, आप एक बार टॉपिक को रीड करके जाना, इंटरव्यूअर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज के हमारे टॉपिक का फिफ्थ क्वेश्चन और वो लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत है, व्हाट इज वाटर सीमेंट रेशियो। तो बेसिकली वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपन में वेट ऑफ सीमेंट, इससे हम वाटर सीमेंट रेशियो निकालते हैं। अब वाटर सीमेंट रेशियो यूज क्या पर्पस है वाटर सीमेंट रेशियो का, और कौन कौन से वाटर सीमेंट रेशियो जो हमारे मोस्टली यूज होते हैं। तो वाटर सीमेंट रेशियो हमारा जो सबसे ज्यादा होता है 0.45 से लेकर 0.6 तक भी जाता है, पर मोस्टली केसेस में 6 तक जाता है, हम जनरली 0.45 और 0.5 तक हम वाटर सीमेंट रेशियो लेते हैं। तो वाटर सीमेंट रेशियो लेने का हमारा इंटरव्यूअर हमसे पूछ सकता है कि इसका पर्पस क्या है। वाटर सीमेंट रेशियो का पर्पस है कि जब हमें हमारा स्ट्रक्चर थिन है और हमको वर्केबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो हम वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज कर देते हैं जिससे हमारी वर्केबिलिटी हाई हो जाती है। लेकिन जब हमें स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए तो हम वाटर सीमेंट रेशियो को कम कर देते हैं जिससे हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है। तो हम वहाँ वाटर सीमेंट रेशियो को अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से मैनेज करते हैं कि हमें वाटर सीमेंट रेशियो कितना रखना है। और हम ये हमारा टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था, और भी अगर आपको ऐसी वीडियोज़ चाहिए तो हम आगे कोशिश करेंगे और वीडियोज़ बनाने की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।